किसी चमकदार सतह से प्रकाश की किरणों का टकरा कर एक निश्चित दिशा में चला जाना प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, हम आज अपने विज्ञान प्रयोग में दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करेंगे। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं प्रयोग करके। इसके लिए हम एक पारदर्शी प्लास्टिक डिब्बा लेते हैं। आप चाहे तो अन्य पारदर्शी पात्र ले सकते हैं। इसके अलावा हम दर्पण का एक आयताकार टुकड़ा लेते हैं और उसे दोनों साइड चिपकने वाले टेप की सहायता से डिब्बे में फिक्स कर देते हैं। फिर एक चांदा लेकर उसे डिब्बे की तली में लगा देते हैं, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस प्रकार व्यवस्था करने के बाद हम इस पारदर्शी पात्र में पानी भर लेते हैं। अब डेटॉल लिक्विड की 8 से 10 बूंद पानी में मिला देते हैं। आप चाहे तो डेटॉल की जगह दूध का भी उपयोग कर सकते हैं। अब हम एक लेजर किरण दर्पण पर आपतित करते हैं और यह देखें, हमें आपतित किरण व परावर्तित किरण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। आप आपतन बिंदु पर एक अभिलंब की कल्पना कर चांदे की सहायता से आपतन कोण व परावर्तन कोण का मापन कर सकते हैं। इस प्रयोग से हम देख पाते हैं कि किस प्रकार प्रकाश किरण दर्पण द्वारा परावर्तित हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपका कोई सुझाव या राय है तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।